वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। इनसे पहले 10 प्रैक्टिस ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग नहीं देखे तो जाके उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है आपका वो है पी और सी। तो ऑप्शन में बी है, सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। और ध्यान रखेंगे जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपका है ए, डी, ई और के। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला सवाल है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है, ये दिया जाता है राज्यक्षमा या टीबी रोग के लिए। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की, तो ये आपका किया जॉन नेपियर। आगे क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल। आगे का क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में प्रॉब्लम आने के बाद इंसुलिन की कमी हो जाती है और जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। किसकी कमी? इंसुलिन। तो ये भी याद रखेंगे, इंसुलिन। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है, तो निकट दृष्टि दोष जो है वे आपका किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, और अगर दूर दृष्टि दोष तब हो जाता उत्तल लेंस। अगला सवाल है, शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है यानी हार्ट अटैक, हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, यानी कि कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है किस रूप में, तो दृश्य प्रकाश के रूप में।
इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? ये किया गया आपका थॉमसन, पूरा नाम है जे जे थॉमसन या थॉमसन जो कही। अगला सवाल है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है, यह है आपका संहति। आगे का प्रश्न है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में किस शैल में यानी किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता? तो ग्रेनाइट जो है आपका पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। धोनी की चाल है कितना? धोनी की चाल है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूले की अवधि होगी, तो इसका अवधि जो है वो घट जाएगा यानी लघुत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लघुत्तर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की जो खोज है वो ऑटो हन ने। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला, किसके लिए? तो रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया। और इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www ये भी इंटरनेट से संबंधित है, http ये भी इंटरनेट से संबंधित है, ईमेल ये भी इंटरनेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? ये हो जाएगा आपका एंटर। जो एंटर की है ये आपका टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ये बिल्कुल आवश्यक है। सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी आवश्यक है। सिम कार्ड, ये भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रेशम किससे उत्पन्न होता? तो रेशम जो है आपका रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सभी को रक्त दान कर सकते हैं, यानी डोनेट कर सकते हैं? ये होगा आपका ग्रुप ओ। अगला सवाल, एक शैल यानी पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? यह है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किसके प्रति रक्षा
किससे प्रतिरक्षा करती है, यानी किस बीमारी से प्रतिरक्षा यानी बचाती है। बच्चों में जो तीन टीका दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है काली खांसी, टिटनेस और डिफथीरिया रोग से बचाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है, ये है आपका 72, यानी एक मिनट में 72, एक मिनट में 72। ये सारे सवाल बिहार पुलिस और ग्रुप डी ABMR जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इनसे पहले 10 प्रैक्टिस ऑलरेडी चैनल पर है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनसे इनसे पहले उन वीडियोज को भी देख लें जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।